आपकी मोबाइल या लैपी की स्क्रीन पर दिख रहा यह छोटा सा क्यूट सा जानवर है मार्टिन, जिसे जंगल का सबसे खूंखार और बेरहम शिकारी माना जाता है। इसकी बहादुरी के किस्से आपको दंग कर सकते हैं, क्योंकि ये साइज में भले ही छोटा हो लेकिन शिकार के मामले में बड़े बड़े शिकारियों को पछाड़ देता है। बंदर हो या हवा में उड़ता कोई पक्षी, यह हर किसी को झपटने के लिए तैयार रहता है और उसे थोड़ा थोड़ा खाकर एक दर्द भरी मौत देता है। सांप के लिए तो ये जैसे काल है काल। सांप तो मार्टिन से 100 कोस की दूरी बनाने में विश्वास रखता है। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ आप मार्टिन के कुछ डेडली अटैक्स देखने वाले हैं। आपको झटका लग सकता है, लेकिन ये छोटा सा जानवर एक बंदर को मारने में सिर्फ कुछ ही मिनट का समय लेता है। इसकी फ्लेक्सिबल बॉडी पेड़ पर चढ़कर गिलहरी और पक्षियों को दबोचने में हेल्प करती है, जबकि जमीन पर तो ये खरगोश और कई बड़े बड़े एनिमल्स को भी नहीं छोड़ता। नंबर 1, मार्टिन की बहादुरी और फुर्ती का अंदाजा तो आप इस वीडियो क्लिप से ही लगा सकते हैं। पेड़ पर टहनी पर बैठा यह मार्टिन बिल्कुल निडर होकर अपने से कई गुना बड़े इस बंदर को छेड़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि बंदर भी मार्टिन को देखकर लग चुकी है, इसलिए वो नीचे आ गया जिससे दुश्मन से बचा जा सके। अब यहाँ देखिए, सड़क के बीचों बीच ये बंदर यूं ही नहीं बैठा है, ये मार्टिन से बचता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन मार्टिन तो इसके पीछे यहाँ भी आ गया। अब वो इस बंदर पर हमला करने का बस मौका देख रहा है। मार्टिन मौका मिलते ही बंदर की पीठ पर चढ़ता है और उसे काटने लगता है। मार्टिन की पकड़ एकदम च्युइंगम जैसी होती है, एक बार जो ये चिपक जाए तो छूटने का नाम नहीं लेता। यहीं देख लीजिए, बंदर मार्टिन को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, जमीन पर लोट पोट रहा है, लेकिन मार्टिन छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। फाइनली वो छूटा, लेकिन बंदर को चखने का मन उसका अभी भी है, इसलिए वो फिर से बंदर पर हमला करने की फिराक में है। और यहाँ बंदर की पूंछ इसके मुंह में लग चुकी है। वैसे ये बंदर काफी सतर्क और तेज है, जिस वजह से ये मार्टिन से बच पा रहा है, वरना बंदरों का हाल मार्टिन के सामने कुछ और होता है। नंबर 2, यकीन नहीं होता तो इस क्लिप को ही देख लीजिए। यहाँ मार्टिन और बंदर के बीच दो दो हाथ की लड़ाई चल रही है। बंदर अपनी सेफ्टी के लिए जमकर लड़ रहा है, लेकिन छोटा सा मार्टिन उस पर भारी पड़ रहा है। वो चारों तरफ उछल उछल कर कूद कूद कर बंदर को चकमा देने की कोशिश कर उसे रोड के किनारे ले जा रहा है, और बंदर इस चाल को समझ भी नहीं पा रहा। मौका लगते ही मार्टिन ने बंदर को दबोच लिया कि तभी वहाँ एंट्री होती है दूसरे मार्टिन की। बंदर अब भी जिंदा है और खुद को बचाने की कोशिश में है, क्योंकि अब बंदर 1 और मार्टिन 2 तो नाइंसाफी हो चुकी है, इसलिए जीत तो भाई मार्टिन्स की होनी है। एक मार्टिन ने बंदर को गर्दन से दबोच रखा है तो दूसरा उसे नीचे की तरफ से खींच रहा है। वेल, एट द एंड ऑफ दिस क्लिप मार्टिन्स आखिरकार जीत ही गए और बंदर की हार हुई, और अब ये दोनों अपने टेस्टी से खाने का मजा उठा रहे हैं। वाकई काफी खुखार होता है ये छोटा पैकेट, तो बस मौके की तलाश है। नंबर 3, खुखार मार्टिन्स की एक खास बात होती है कि ये दिन में ही नहीं रात में भी एक्टिव होते हैं। इन्हें बस खाने की खुशबू चाहिए, टूट पड़ने को हर पल तैयार रहते हैं। अब ये क्लिप ही देख लीजिए, रात की है, चूहे के बच्चे अपनी मम्मी पापा के साथ नाइट वॉक पर निकले हैं, लेकिन दिन की तरह इनके लिए रात भी खतरे से भरी हुई है, क्योंकि मार्टिन इन पर नजरें जमाए हुए है। बस मौके की तलाश है। और ये देखिए, कहां गए सभी चूहे? गायब नहीं, मार्टिन के पेट में। नंबर 4, सिर्फ चूहे ही नहीं, ये छोटा पैकेट तो आसमान के पक्षियों पर भी हाथ साफ करने को तैयार रहता है। इसकी बॉडी तेज तर्रार, आंखें और इसके पंजे इसे पेड़ पर चटपट चढ़ने में हेल्प करते हैं। अब यही देख लीजिए, मार्टिन पेड़ पर लटकी इस गिलहरी को अपने पेट का रास्ता दिखा रहा है कि तभी वहाँ एक पक्षी आकर बैठ जाता है। मार्टिन का दिमाग तो देखिए, अब तक वो इस मरी हुई गिलहरी को खा रहा था, लेकिन ताजा खाना देखकर वो इस पर टूट पड़ने वाला है। लेकिन इस पक्षी की किस्मत अच्छी थी, जो मार्टिन की इतनी लंबी छलांग के बाद भी ये बच गया, और मार्टिन ने फिर से पुराने खाने से काम चलाना शुरू कर दिया। नंबर 5, दोस्तों आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी। अगर सुनी है तो ये भी जानते ही होंगे कि खरगोश की रफ्तार कितनी तेज होती है। वो आसानी से अपने शिकारियों से बचकर भाग सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि खरगोश का टेस्ट लेने में भी मार्टिन माहिर है। हैं? आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं? अरे चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है? गलत बात दोस्तों, चलिए चलिए अभी कीजिए। ओके, अब यहाँ देखिए, ये खरगोश छोटे पैकेट से बचने के लिए दकादक भागे जा रहा है, लेकिन इसको शायद पता नहीं कि आज यम इससे नाराज है, और आज इसकी ये मैराथन इसके किसी काम नहीं आने वाली है। देख लीजिए, मार्टिन ने दबोच लिया ना, यह मानना पड़ेगा। वैसे मार्टिन इतना छोटा होने के बाद भी अपने से बड़े शिकारियों को आसानी से दबोच लेता है, मतलब इसके दांत काफी नुकीले होते हैं। बेचारा खरगोश, उसकी वाइफ दूर से ही अपने स्वामी का निधन देख रही है, पर बेचारी लाचार है,
है, क्या करे क्रूर मार्टिन। नंबर 6, चलिए अब हम आपको दिखाएंगे अब तक के सबसे बड़े शिकार को जो मार्टिन का लंच बना। अब देखिए ये एनिमल यू तो मार्टिन से कई गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी ये मार्टिन के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गया। पता है क्यों? क्योंकि मार्टिन इससे कई गुना ज्यादा फुर्तीला और स्मार्ट है। आप खुद ही देख लीजिए, मार्टिन बार बार बंदर की तरह उछल उछल कर उसे नोच रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। वैसे एंड में क्या हुआ ये आप यहाँ देख सकते हैं। फाइनली मार्टिन के दिन के खाने का इंतजाम हो गया। नंबर 7, अब शाम की चाय के साथ स्नैक्स देख लेते हैं। ये डरा सहमा सा खरगोश जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये असल में मार्टिन से चुप रहा है। उसकी मौत सामने है और वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए चट्टान के पीछे दबक कर अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। और अब होती है यहाँ मार्टिन की एंट्री। और ये क्या, मार्टिन ने तो इतनी आसानी से इस खरगोश को पकड़ लिया, पर खरगोश भी कुछ कम नहीं है। ये देखिए एक लंबी सी उछाल और ये मार्टिन की पकड़ से बाहर। पर ये एंड नहीं है, एंड तो यहाँ है झाड़ियों के बीचों बीच जहाँ फाइनली खरगोश मार्टिन के मुंह का निवाला बन चुका है और अब मार्टिन अपने टेस्टी मील का आनंद उठाने के लिए उसे एकांत में लेकर जा रहा है। वो क्या है ना, छोटे पैकेट को खाते समय डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। नंबर 8, चलिए बहुत हुआ अब ये मारामारी का खेल, अब आपको दिखाते हैं पकड़म पकड़ाई। ये है हमारी चुलबुल गिलहरी और देखिए तो ये कैसे इस खतरनाक खिलाड़ी को पेड़ के चारों तरफ घुमा रही है। वो कहते हैं ना कि चालाक को भी कभी ना कभी तो सवा चालाक मिलता ही है। वैसे इस पकड़म पकड़ाई में ट्रॉफी किसकी हुई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये पकड़म पकड़ाई यूं ही कुछ मिनटों तक चली। फिलहाल हम अपनी अगली वीडियो को देखते हैं, आप वीडियो को लाइक कीजिए। नंबर 9, आइए यहाँ आइए और देखिए कैसे ये छोटा सा पैकेट इस कौवे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब शायद ही कोई ऐसा एनिमल होगा जिसे ये छोटा पैकेट उंगली ना करता हो। नंबर 10, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्टिन सिर्फ खुले वेदर में या गर्मियों में शिकार करने में एक्सपर्ट होते हैं तो ऐसा सोचने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये पैकेट तो बर्फ के बीच से सबसे फुर्तीले जानवर को भी मारकर खाने में एक्सपर्ट होते हैं। यकीन नहीं होता तो ये वाली क्लिप्स आपके लिए है। यहाँ एक प्यारा सा खरगोश मार्टिन नाम के भूत से अपनी जान बचाने के लिए फुल स्पीड में दौड़ रहा है। मुझे भी लगता है कि खरगोश बचाएगा, लेकिन नहीं, मैं भी गलत हूँ, क्योंकि जब लास्ट तक इस क्लिप को देखा तो मालूम हुआ कि खरगोश की आखिरी रेस थी, क्योंकि अब तो वो जिंदगी की रेस भी हार चुका है। तो दोस्तों ये थे मार्टिन के कुछ दर्दनाक हमले, जहाँ कभी शिकार को दर्दनाक मौत मिली तो कभी उसकी किस्मत ने बाजी पलट दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जंगल की दुनिया से जुड़ी हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।